पीछे करो, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। लगाओ वकील साहब, लगाओ भाई, चले आइए। ज्ञापन देते हैं, ट्राई कर रही है, जबकि हमारे पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि में उत्पादों की कीमत काफी कम है। किसान आंदोलन को लगभग 112 दिन बीत चुके हैं, परंतु हल नहीं निकल पाया। इस दौरान 250 किसान असमय मौत की गोद में समा गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश मृतक किसानों को शहीद का दर्जा देने और उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करती है। प्रत्येक जनपद में बैटरी रिक्शा सीमित। मेरा नाम मुशर्रफ अली अंसारी, एडवोकेट है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो है प्रदेश महासचिव हूँ, बरेली मंडल का प्रभारी हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आज हम जो है सरकार, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो पेट्रोल और डीजल और गैस में मूल्य वृद्धि हुई है, और जबकि हमारी पड़ोसी देशों में जो है इससे कम रेटों में जो है तेल मिल रहा है, तो गलत नीतियों के कारण और राज्य सरकार को बैट बढ़ाने की छूट देने के कारण इतनी मूल वृद्धि हो गई है कि 100 रुपये पे पेट्रोल पहुंच गया है और डीजल पहुंच गया है, गैस का सिलेंडर 850 का पहुंच गया है। इसलिए आज हमने विरोध प्रदर्शन किया था। गैस की समस्या, पेट्रोल की समस्या, डीजल की समस्या है, और इसके अलावा विकलांगों की तमाम समस्याएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, और इन लोगों को 500 रुपये से बढ़ाकर जो है 2000 रुपये इनकी पेंशन की जाए। और जो है महानगर में, हेलो, और जो केंद्र सरकार जो है निजीकरण करने पे तुली हुई है, जो कि हवाई अड्डे हैं और पेट्रोल, मतलब हवाई अड्डे, प्लेटफार्म, रेल, और जो है ये सब जो है निजीकरण करने पे तुली हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके निजीकरण का विरोध करती है, जब तत्काल बंद करने की मांग करती है, और सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान आंदोलन का कोई हल नहीं निकला। 112 दिन बीत चुके हैं और 250 किसान जो है इस दौरान मौत हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है उन किसानों को शहीद का दर्जा देने और उनके परिवारों को 50 लाख रुपया देने की मांग करती है मुआवजा, और विकलांग आरक्षण को जो है 3% से बढ़ाकर 5% करने की मांग करती है। सर, भ्रष्टाचार की जो समस्या है जो बनी हुई है खासतौर से, तो भ्रष्टाचार की समस्या पूरा राशन विभाग है, पूरा जो है तहसील है, नगर निगम है, थाने की समस्या कई जगह है, बहुत तहसील गटटोली समस्या ये है। मैंने बताया ना, 18 किलो की 20 किलो की जगह 18 किलो दिया जा रहा है, मैं बोरे के तोल के 18 किलो दिया जा रहा है। ये पूरे शहर में फैली हुई है, ये बहुत बड़ा रैकेट है, और जब तक ये ऊपर से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ये काम बंद नहीं होगा। और 300 बेटियों के साथ बरेली जनपद में ये आंकड़ा आया है कि 3 साल में जो है बलात्कार हुए हैं, और कानून व्यवस्था धराशायी हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग करती है, और सफाई व्यवस्था जो है महानगर के अधिकांश क्षेत्रों में जो है गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जो कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं उनका सफाई कर्मचारियों पे कंट्रोल नहीं है, और उन्होंने शासन आदेश के विपरीत 10 वार्डों में सफाई कार्य का ठेका प्राइवेट लोगों को दे दिया है। ऐसे अधिकारी के विरुद्ध जो गैरकानूनी काम करता है उसको जो है जाँच की जाए और उसको दंडित किया जाए।